रांची में होने वाली तकरीब में थेस्पियंस थिएटर की जानिब से सिंकी रोमानी दास्तान उमर मालवी को मशरकी मौसीकी में बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। अपने खूबसूरत और बहादुर कजन खेत से मोहब्बत करती थी, मगर थर का हुक्मरान उमर सोमरो मालवी की खूबसूरती पर फिदा हो गया और उसे कैद कर लिया। मालवी के कजन खेत ने मोहब्बत को हासिल करने के लिए दोस्तों के जरिए उमर सोमरो को जहर दे दिया। इस तरह मालवी आजाद हुई और मोहब्बत अमर हो गई। तकरीब में शरीक नाजरीन का कहना था कि सकाफती प्रोग्राम नौजवान नस्ल को तारीख से आगाही फराम करते हैं। If it was a true story, then it was very emotional. Or no, they did it very well. नस्लें जो ग्रो अप हो रही हैं, उनको ये सब चीजें मालूम होंगी कि आज हमारे मुल्क में जो ये चीजें हैं, ये हमारी सकाफत है। बच्चे जो आज की नौजवान नस्ल है, वो अपने तारीख को, कल्चर को समझे। इस मौके पर मालवी की दास्तान पेश करने वाले फनकारों ने खुशी का इजहार किया। उमर मालवी है ही प्यार की कहानी, तो हम इसी तरह थिएटर्स करते रहते हैं, प्यार की कहानियों को प्रमोट करते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि हम पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और भी इदारे ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक को रिवाइव कर रहे हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि आपने मालवी कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत हद तक तो मुझे लगता है। जाहिर है जो उस बेचारी के साथ हुआ वो तो नाकाबले बयां है। हमारे फोक कल्चर को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन वही बात है कि इसको उभारने वाला कोई नहीं है। डांस प्लस एक्टिंग उसके अंदर परफॉर्म करना मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये मुझे मौका मिला। सिंह की कहानी थी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये कहकर हमें बहुत खुशी हुई। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस डूइंग दिस म्यूजिकल ओपरा। हर कौम अपनी तहजीब और सकाफती तशख्स से पहचानी जाती है। तहम पाकिस्तान में सकाफत के फैलाव और हिफाजत को हुकूमती सतह पर पजीराई की जरूरत है। कैमरामैन जुम्मन सोलंगी के साथ शकील अहमद खान, एआरवाई न्यूज कराची। उमरकोट में सामाजिक तंजीम की जानिब से उमरकोट किले के तारीखी